हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। पर तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अभी मीडिया हिस्ट्री जो कि हमने छोड़ा था। दोस्तों हम लोग कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम द 13 टू 15 सेंचुरी, इसको थोड़ा सा हमने देख लिया था, अभी उसको ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। दोस्तों जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि सारे जितने भी थे मंदिर थे उन सबको तोड़ कर मस्कस बनाया जा रहा था। उससे पहले वहाँ पर जैन टेम्पल्स हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने वहाँ पे छोड़ा था रिलीजियस बिलीव में। ठीक है, तो रिलीजियस आइडिया एंड बिलीव्स, ठीक है, उस समय जो था इस्लाम। इस्लाम देखिए, जो इस्लाम है वो इंडिया के लिए कोई नया नहीं था। ठीक है, हुआ क्या था, वैसे तो पहले से भी नहीं था। इस्लाम हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन सिंध फ्रॉम द 8th एंड द पंजाब फ्रॉम द 10th सेंचुरी। ठीक है, अरब ट्रेवलर्स हैड सेटल्ड इन केरला बिटवीन द 18th एंड 10th सेंचुरी। ड्यूरिंग दिस पीरियड अरब ट्रेवलर्स एंड सूफी सेंट्स ट्रेवल्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। अलबिरूनीज बुक किताबे उल हिंद जो एक है किताब जो अलबिरूनी की लिखी हुई है, तो अदर राइटिंग्स हैड फैमिलराइज द लर्न्ड सेक्शन इन द वेस्ट एशिया अबाउट द हिंदू आइडिया एंड बिलीफ एज हैज बीन नोटेड अर्लियर। बुद्धिस्ट लॉर्स, इंडियन फैबल्स एंड बुक्स ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन हैड बीन ट्रांसलेट इन टू अरबिक। ठीक है दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं। तो इस किताब में जो किताब उल हिंद है, इसमें हमें देखने को मिलता है कि इस्लाम जो है वो पहले से इंडिया में है। ठीक है दोस्तों, द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड वैदांतिक आइडिया ऑन इस्लामिक थिंकिंग हैज़ बीन अ सब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेबल डिबेट एमंग द स्कॉलर्स। रेमनेंट्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज, स्तूपस एंड इमेजेस ऑफ बुद्धा फाउंड इन अफगानिस्तान एंड पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, पर्टिकुलरली अलॉन्ग ओल्ड ट्रेड रूट, शोज द एक्सटेंट ऑफ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस इन दिस एरिया एट वन टाइम। ठीक है, जैसे कि इस्लाम यहाँ पे दिखता है हमें, वैसे ही बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट हैं वो भी दिखता है हमें अफगानिस्तान में काफ़ी बड़े मात्रा में। ठीक है, वेल इट इज़ डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द प्रिसाइज एक्सटेंट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन फिलोसफिकल आइडिया। इट इज़ हार्डली डिस्प्यूटेबल दैट बोथ ग्रीक एंड इंडियन आइडिया इन डिफरेंट पोर्शन मेड ए डिफिनाइट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ द इस्लामिक फिलोसफी। देखिए, इस्लामिक फिलोसफी जब इस्लाम आया इंडिया में, तो अरब पहले से यहाँ पे ट्रैवलर्स थे, कुछ लोग केरला में सेटल थे, तो इंडियन फिलोसफी का, वेदांत का इन पे भी असर हुआ। किस लिए? इस्लाम पे। ठीक है, तो इस्लामिक फिलोसफी जो डेवलप हुआ वो एक मिक्स है बुद्धिस्टों का, ठीक है, इंडियन मतलब हिंदुज़म का, तो उसमें काफ़ी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो सूफी मूवमेंट जब आता है ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्या होता है, डेवलप होता है। सूफी मूवमेंट क्या है, तो सूफी मूवमेंट तो है 10th सेंचुरी में एक इंपॉर्टेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। इट मार्क्स द राइज ऑफ द टर्क ऑन द रूइन ऑफ द अब्बासिस, ठीक है, कैलिफेट, अब्बासिद कैलिफेट। ठीक है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रियल्म ऑफ आइडिया एंड बिलीव्स। इन द रियल्म ऑफ आइडिया इट मार्क्स द एंड ऑफ द डोमिनेशन ऑफ द मुतजिला और रेशनलिस्ट फिलोसफी एंड राइज ऑफ ऑर्थोडॉक्स स्कूल बेस्ड ऑन द कुरान एंड हदीस, ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट एंड द कंपेनियंस, जो हदीस है। ठीक है, एंड ऑफ द सूफी मिस्टिक ऑर्डर द रेशनलिस्ट हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग सेप्टिसिज्म एंड एथिज्म। इन पर्टिकुलर इट वॉज आर्ग्यूड दैट देयर फिलोसफी ऑफ मोनिज्म which held that God and the created world were fundamentally one was heretical on the ground that is abolished the difference between the creator and the created. The work of the traditionalist crystallized four school of Islamic law. ठीक है, तो चार school of Islamic law बना। This the Hanif school, which was the most liberal and adopted by the Eastern Turk who later came to India. Mystic who were called Sufis had risen in Islam at a very early stage. Most of them were persons of deep devotion who were distinguished by the
वल्गर डिस्प्ले वेल्थ जनरेशन डीजनरेशन एंड द मोरल्स फॉलोइंग द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इस्लामिक एम्पायर। ठीक है, मंसूर बिन हलाजा। ठीक है दोस्तों, तो सच तो इसमें हुआ था क्या है, द ट्रेडिशन विच कंटिन्यू लाइट ऑन द सम ऑफ द अर्ली सूफी सच आज वुमेन मिस्टिक रविया, ठीक है, 8th सेंचुरी, मंसर बिन हलजा 10th सेंचुरी, लेट द ग्रेट एम्फेसिस ऑन द बॉन्ड बिटवीन गॉड एंड द इंडिविजुअल सोल। ठीक है, अल घाजली जो था इज वेनरेटेड बोथ बाय द ऑर्थोडॉक्स एंड एलिमेंट एंड द सूफीज ट्राई टू रिकॉन्साइल मिस्टिक एंड इस्लामिक ऑर्थोडॉक्स, ये बीच का रास्ता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हुआ, तो कुरान वाज द वाइटल फॉर द मिस्टिक। ठीक है, एक बुक था रिवील्ड द बुक कुरान। ठीक है, तो वाइटल फॉर द मिस्टिक। अराउंड दिस टाइम द सूफी वेयर ऑर्गेनाइज इन द 12 ऑर्डर ऑफ सिलसिला सिलसिला वेयर जनरली लेड बाय द प्रोमिनेंट मिस्टिक हु लिव्ड इन द खंगा और हॉस्पेस अलॉन्ग विद हिज डिसाइपल। ठीक है, तो सिलसिला वो है, एक जगह है जहाँ पर जो गुरु हैं उनके खंगा, ठीक है, जो उनके गुरु शिष्यों के साथ वहाँ पर रहते थे, मुरीद कहा जाता है शिष्यों को। Monastic organized the organization of the Sufi and some of the practice of the penance, fasting and holding the prithi. ये सब था, वहाँ पर होता था जैसे बुद्धिज्म और इसमें था फास्टिंग, रोजा वोजा रखना। ठीक है, तो उसके बाद योगी कंटिन्यू टू विजिट वेस्ट एशिया इवन आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इस्लामिक वे योगी बुक अमृत कुंड। ठीक है, हैड बीन ट्रांसलेटेड इन टू पर्शियन फ्रॉम द संस्कृत। ठीक है, इंडियन वेदर बुद्धिस्ट फिलोसॉफिकल आइडिया एंड वैदांतिक आइडिया को भी ट्रांसफर किया गया। ठीक है, फेथ एंड इनडिफिनेटली बोथ द गैलोपिंग ऑन द वे टूवर्ड्स हिम। ठीक है, तो सब कुछ एक भगवान की तरफ जाता है। ठीक है, द सूफी ऑर्डर आर ब्रॉडली डिवाइड इन टू टू। ठीक है, तो सूफी के जो ऑर्डर थे दो में डिवाइड किया गया, बास सारा। ठीक है, दैट इज दोज हुज फॉलोज द इस्लामिक लॉ सारा, और बे सारा जो कि फॉलो बाउंड वे आर नॉट बाउंड बाई इट। ठीक है, दो सूफी ऑर्डर हैं, एक बास सारा और एक बे सारा। ठीक है, चलिए, द चिश्ती एंड द सुहारवादी सिलसिलास। ठीक है, ऑफ द बासारा मूवमेंट ओनली टू एक्वायर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एंड फॉलोइंग इन नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी, दीज वेयर द चिश्ती एंड सुहारवादी सिलसिलास। द चिश्ती ऑर्डर वर एस्टेब्लिश इन इंडिया बाय द ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, चिश्ती ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको एस्टैब्लिश किया था, हु केम टू इंडिया अराउंड 1192 शॉर्टली आफ्टर द डिफीट ऑफ द डेथ ऑफ द पृथ्वीराज चौहान। आफ्टर स्टेइंग फॉर द सम टाइम इन लाहौर दिल्ली ही फाइनली शिफ्टेड टू अजमेर विच वॉज द इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर एंड ऑलरेडी हैड ए सिजिबल मुस्लिम पॉपुलेशन। नो ऑथेंटिक रिकॉर्ड हैज बीन, इसका नहीं था। तो उनके अमंग द डिसाइपल ऑफ शेख मुइनुद्दीन वेर द वख्तियार काकी एंड हिज डिसाइपल फरीद उद्दीन गंज ई सकार, फरीद उद्दीन कन्फाइडेड हिज एक्टिविटीज टू हंसी एंड अजोधाम मॉडर्न हरियाणा जिसको आज कल पंजाब रेस्पेक्टिवली, ही वॉज डीपली रेस्पेक्टेड इन दिल्ली सो मच सो दैट स्टीम्स ऑफ द पीपल वुड थ्रॉंग अराउंड हीम whenever he visited Delhi, his outlook was so broad and humane that some of his verses later found quote in the Adi Granth of the Sikh. ये इतना effective थे कि इनके quotes जो थे Adi Granth में भी हमें देखने को मिलता है। The most famous of the Chishti saints, however, the Nizamuddin Aulia and Nasiruddin Chirangi Delhi, ठीक है, ये कुछ famous saint हैं जो Chishti से belong करते हैं। लेड तो इस तरह से उनकी चलती है जो है सूफ मूवमेंट। ठीक है, तो इसके बाद अगर ये इस्लाम्स की बात हो गई, ठीक है, अभी बात करते हैं हम भक्ति मूवमेंट की। भक्ति मूवमेंट में क्या हुआ, द मूवमेंट विच स्ट्रेस मिस्टिकली इन द डिविजन ऑफ द गॉड। ठीक है, इंडिविजुअल विद द गॉड। ठीक है, मिस्टिकली यूनियन ऑफ द इंडिविजुअल विद द गॉड, इंसान आत्मा की परमात्मा से मिलन वाली बात है। ठीक है, तो काफ़ी सारे हुए इसमें कृष्ण, ठीक है, ग्रेसियस, तो रामायण महाभारत के बारे में है। ठीक है, तो ये वही है फिलोसफी में, इसको हम बहुत अच्छे इसको इतना कबीर आए, ये सब आए, ठीक है, नानक, तो इन सब से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं। थैंक यू वेरी मच,
आगे हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है और इसको पढ़ते रहेंगे, बहुत जल्द इसको ख़त्म कर देंगे। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, भक्ति मोमेंट कबीर आए ये आए, ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।